गेमिंग के मामले में चाहे वो मोबाइल की हो या फिर कंप्यूटर की हो, बैटल रॉयल का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है। चाहे वो पबजी का हो या फिर फ्री फायर का हो या फिर सीओडी मोबाइल का हो, फोर्टनाइट का हो, ऐसी बहुत सी गेमें हैं जिसमें बैटल रॉयल है वो चल भी रही हैं, मतलब अपनी कमाई कर रही हैं ठीक ठाक। अब इसी को देखते हुए बहुत सारी गेमें चाहती हैं कि हम अपना भी बैटल रॉयल बनाएं, लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि एक रेसिंग गेम भी अपना बैटल रॉयल बना सकती है? जी हाँ, फोर्ज़ा होराइज़न 4 जो कि एक बहुत ही कमाल की पीसी की गेम है कार रेसिंग की, जहां पर 72 कार का बैटल रॉयल आने वाला है, जिसके अंदर आप कारों के साथ में रेस करोगे और वहां पर जैसे ही जीत जाओगे तो आप उस बंदे की कार को क्लेम कर सकते हो। उसने जो भी मॉडिफिकेशन कर रखी होगी, जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी हो जाएंगी, और उसके बाद में वो मैप धीरे धीरे छोटा होता रहेगा, जहां पर जो भी बंदा जीत रहा होगा उनकी कंबाइन फ्री फॉल ऑल रेस होगी, जहां पर कोई एक बंदा जीतेगा तो वो विनर होगा उस बैटल रॉयल का। तो कार का भी अब बैटल रॉयल आ चुका है गेमिंग के मामले में। फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट, मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे थे कुछ को, आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। यूनाइटेड स्टेट के नॉर्थ डकोटा की एक इमेज है जो कि 1966 में खींची गई थी, जहां पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी थी कि ये जो खंबे हैं बिजली के ये भी आपको ढके हुए दिखेंगे। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि माइकल जैक्सन के मरने के बाद में उनके वॉल्ट में से करीबन 100 से ज्यादा ऐसे गाने मिले थे जो कि उन्होंने कभी भी रिलीज किए नहीं थे। एक जापानीज मार्शल आर्टिस्ट थे जिनका नाम था कोंगो जिगारो, जिनको फादर ऑफ जूडो के नाम से भी जाना जाता था। जब वो मरे थे तो उन्होंने कहा था उस वक्त में, मरते टाइम में, कि जब मुझे दबाओगे तो मुझे व्हाइट बेल्ट के साथ में दबाना, ना कि ब्लैक बेल्ट के साथ में, ताकि दुनिया मुझे एज ए लर्नर समझे, ना कि ब्लैक बेल्ट मास्टर। आपको मालूम है अगर आप सिटीजन हो बेल्जियम के, पोलैंड के, पुर्तगाल के, फ्रांस के या फिर सिंगापुर के, तो आप एक ऑटोमेटिकली ऑर्गन डोनर बन जाते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं किसी को भी ऑर्गन ना दूं, तो आप अपना नाम उस लिस्ट में से कटवा सकते हो कि मैं किसी को भी ऑर्गन नहीं दूंगा। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ेगी किसी ऑर्गन की, तो आपका नाम भी उस लिस्ट में सबसे नीचे होगा जिसको ऑर्गन देना चाहिए। तो इसको एक फेयर पॉलिसी भी माना जाता है वहां पे। आपको मालूम है बियर की बोतलें ब्राउन रंग की क्यों होती हैं? क्योंकि ये हार्मफुल यूवी सनलाइट को ब्लॉक कर सकती हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी थी ब्राउन बॉटल्स की, जिसकी वजह से क्लियर ग्लासेस में बियर बेची जा रही थी। लेकिन जो हाई क्वालिटी के बियर बनाने वाले थे उन्होंने ग्रीन का यूज करना शुरू कर दिया था फिर उस वक्त में। कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि जब हम स्कैर्ड होते हैं या फिर नर्वस होते हैं या फिर रो रहे होते हैं और हम जोर जोर से सांसें ले रहे होते हैं, तो होता ये है कि हमारा जो ये विंड पाइप है थोड़ा सा फूल जाता है और हमें गले में ऐसा महसूस होने लगता है कि गांठ पड़ गई है, जिसको लंप भी बोला जाता है, कि वैसा कुछ हो गया है। तो हमारे ये शरीर का ही एक्चुअली में रिस्पांस होता है कि हमारी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन मिलती रहे, तो वो थोड़ा एयर पाइप को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर देती है। एक फूल होता है जिसको स्केलेटन फ्लावर भी कहा जाता है, जिसकी पंखुड़ियां इतनी ज्यादा नाजुक यानी कि डेलिकेट होती है कि जब बारिश होती है तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है। आपको मालूम है कि स्टडी में पाया गया है कि इस दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले लोग होते हैं वो दरअसल 18 से 33 साल की एज ग्रुप के होते हैं, क्योंकि उस बीच में वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या करना है हमें अपनी इस लाइफ का। उसके बाद वाले तो एक्चुअली में डिसाइड कर चुके होते हैं कि भैया अब तो कुछ होना नहीं, अब ऐसे ही चलनी है गाड़ी। अगर आपको पियानो सीखना है, वैसे तो आपको यूट्यूब पे कई वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन एक ऐसी वेबसाइट भी है जिसका नाम है howtoplaypiano.ca, जहां पर आप फुल कोर्स सीख सकते हो पियानो का, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको मालूम है कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर ने पूरी दुनिया का इतना प्रिसाइज डिटेल में मैप बनाया था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट आज भी उसको यूज करता है उसकी डिटेलिंग और एक्यूरेसी के लिए। आपको मालूम है एक ट्रक होता है जिसको जिपर ट्रक कहा जाता है, जो कि डिवाइडर्स को इधर उधर शिफ्ट करने में मदद करता है। इसको गोल्डन गेट ब्रिज पर यूज़ किया जाता है जो कि यूएस के अंदर मौजूद है, जहां पर अगर ट्रैफिक जाम हो रहा हो और ये देखा जाता है कि किस साइड पे ज़्यादा ट्रैफिक है, तो उस साइड को थोड़ा सा स्पेस देने के लिए ये डिवाइडर्स को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देता है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है ifitwaremyhome.com, जहां पर आप पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है वहां पर चेक कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो माइग्रेशन का कि मैं उस कंट्री में जाकर रहूं, तो आप अपने रिलीजन को वहां पर ऐड करके और कई सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हो फिल्टर करके, कि क्या मैं उस कंट्री के अंदर फिट हो पाऊंगा। तो वो उस कंट्री के प्रोज एंड कॉन्स बताएगा आपको आपके फिल्टर के आधार पर।
फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मेरे को वीडियो डाली भी है।